Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. सबसे पहले बात करते हैं कोविड 19 के केसेस पर। 226 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, साथ साथ 237 डिस्चार्ज और क्योर्ड केसेस। दो नए डेथ शामिल हैं आज की इस रिपोर्ट में। एमएलए जीवरगी डॉक्टर अजय सिंह ने आज एक इंस्पेक्शन किया वाटर स्टोरेज डैम की जगह पर जो जीवरगी के अंदर है, और कुल कीमत प्रोजेक्ट की 13.5 करोड़ बताई जा रही। उस मौके पर तालुका के ऑफिसर्स और कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मौजूद थे। गुड़ा शहर की नामचीन और बड़ी शख्सियत और काफी बड़े बिजनेसमैन शब्बीर सेठ लोखंडवाला आज हमारे बीच नहीं रहे। जी, हाल ही में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे सैटरडे नेशनल ग्राउंड में अदा की जाएगी। गुलबर्गा जेडीएस पार्टी का एक नया कैंपेन चल रहा है, चलो वार्ड की ओर, यानी वार्ड के अलग अलग इश्यूज वो रेज करते हैं, साथ साथ मौजूदा हालात पे बात करते हैं। आज उसको चलते एक प्रोटेस्ट हुई डीसी ऑफिस पर, आइए देखते हैं। चलो वार्ड की ओर कार्यक्रम में जो हमारे पार्टी के कुमार राणा देवगढ़ा साहब, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो केदारलिंग हिरमठ साहब हैं, और हमारे देवगढ़ा तल्लूर साहब और हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब, तड़कल बसोरा तड़कल साहब, ये सब लोग हम चलो वार्ड की ओर बोल के पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग कर रहे थे। जो हाईकमांड से हमारे को डायरेक्शन आया था उसके मुताबिक हम क्या करें, सर्वे के वास्ते गए। सर्वे करने के बाद हर वार्ड को सर्वे करे थे। यहाँ पर हमारे कांबड़े साहब, नामदेव कांबड़े साहब, वो वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 6 के 6। तो कुछ लोग इनके पास आके ये बोले कि भाई ऐसे सा हमारे वार्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। मीटिंग में इन्होंने बोले भाई हमारे वार्ड में बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप आइए, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अनाज लगता वो इमीडिएट आप उनको दीजिए बोल के हम जब उनको बोलने के बाद मीडिया के थ्रू बोलने के बाद 15-20 दिन से आज तक भी कोई नहीं गए। ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಇನ್ನು ಕುದು ಮಾಡ ಇಲ್ಲ, 20 ಸಲ ಬರ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಏನು ಇಲ್ರಿ, ಓಟ ಸೌದ ಏನು ಇಲ್ರಿ ಮನೆಗೆ, ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ ಬರ್ರಿ ಸರ್. ಅಗರ್ ಆಪ್ ನೈ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ಯೇ ಪೂರೆ ಏರಿಯಾ ವಾಲೆಗೂ ಲೇಕೆ ಹಮ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಚೌರಸ್ತೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕೆ ಉಪರ್ ಹಮ್ ಧರ್ನೆಗೂ ಬಟೆಂಗೆ, ಭೂಖ ಹಡ್ತಾಲ್ ಪರ್ ಬಟೆಂಗೆ, ಜಬ್ ತಕ್ ಇನ್ಕಾ ಮಸಲಾ ಹಲ್ ನೀ ಹೋಂಗಾ. एक और प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर फार्मर्स ने फिर से डीसी ऑफिस पर आकर दरवाजा खटखटाया, जहां पर उन्होंने कहा कि इस बार की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो मामले होने चाहिए थे वो नहीं हुए बाढ़ की वजह से, और कई सारे लॉसेस बियर कर रहे हैं फार्मर्स। इसको चलते उनकी क्या मांग है, आइए देखते हैं। रही तनुकर रहे फार्म फैसिलिटेटर्स, इनका वजह से हो रहा है। ये लोग अगले 10-12 साल से काम कर रहे, ये लोगों को एक किसान का खेत को जाके उनका क्रॉप सर्वे करे तो ऑफिशियली उनको 5 रुपए मिलते, और एक आदमी को उनको जानकारी दिया तो 10-15 रुपए ले देते। ऐसा ही उनको महीने को 3-4 हज़ार रुपए कमीशन आता था, उसका ऊपर ये लोग जिंदगी कर रहे था। अब बीसी पाटिल जो नया एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए, उन्होंने आने के बाद ये लोगों को निकाल के नया लोगों को अपॉइंटमेंट करना बोल के, उसमें कुछ एक हिडन एजेंडा है, ऐसा हमारा लोगों को बिटाना क्या है बोल के मालूम नहीं है। ये लोगों को निकालने से ये साल 2020 में कोई क्रॉप सर्वे कर्नाटक में बराबर नहीं हुआ। गुलबर्गा शहर के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एमएलए कनीस फातिमा जी ने आज एक ड्रेनेज वर्क को स्टार्ट किया नया मोहल्ला के अंदर। आइए देखते हैं लोकल रेसिडेंट्स और रफीक हुंडेकर इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। नए मोहल्ले में जैसा कि बहुत सारे वार्ड में क्या होता है कि जो बॉर्डर के बॉर्डर रहते हैं 15, 16, 9 है, ये ऐसे बहुत सारे जगह ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, और ये जो यूजीडी की जो लाइन थी 40 साल पुरानी थी, जब भी अगर बारिश आता तो ये रोड के ऊपर पानी जाता था, नमाजियों के लिए तकलीफ थी, लोगों के लिए तकलीफ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ऐसे छोटे रोडों में 300 mm वाला 300 mm वाला पाइप डाला जा रहा है, मैं समझता हूँ 10 से 20 साल तक अभी इंशाल्लाह ये यूजीडी का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं मैडम कनीज फातिमा साहिबा का, फराजुल इस्लाम साहब का, आदिल सुलेमान सेठ का, सैयद अहमद हमारे एक्स मेयर ब्लॉक अध्यक्ष, उन्होंने मजहर खान और फायद अली फातेह खानी साहब, ये पूरी टीम वर्क है हमारी, ये लोग काम करते हैं, हम एक वर्कर हैं, वर्कर के हिसाब से हम यहाँ काम कर रहे हैं। नए मोहल्ले में मैं समझता हूँ अभी 10-12 साल तक कोई काम बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि ये रोड भी केबिन तक जा रही है, HKDP में हो रहा काम, मतलब काम बहुत हो रहे हैं। मैं पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से मैं कनीज फातिमा साहिबा का, फराजुल इस्लाम साहब का, अहमद साहब का, आदिल सुलेमान सेठ का, वायद अली फातेह खानी, मजहर खान साहब, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
हाल ही में इलेक्ट हुए गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ आईईटीई डॉक्टर बसवराज गाड़ग जी का आज फेलिसिटेशन हुआ, जहां ये फेलिसिटेशन किया प्रो चांसलर सैयद अली अल हुसैनी साहब ने। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर एम पठान जी, आजम सर और खादरी सर जो कि एचओडी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी के, यहाँ पर मौजूद थे। कोविड-19 चलते हुए काफी सारे लोग मेंटली स्ट्रेस आउट हो चुके हैं, हेल्थ पर कैसा फोकस करना है, इसको चलते शाहिंदपुर पंप स्टेशन ने एक प्री सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स पोस्ट कोविड-19, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं हरकिरात लली जो कि फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच है। जैसे सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे www.shahindgroup.org। तो ये सेशन होगा 5 सितंबर सैटरडे 7:30 बजे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। Instagram पे भी हमें फॉलो करें और Twitter पे भी हमें फॉलो करें GoHash Networks पे। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार, फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार।